तो इससे अच्छा है कि आप एक होटल बुक करवा दो। देन माय सेकंड टिप विल बी, अगर आपका आप कोविड टेस्ट में हो और उसकी लाइन 2 आवर्स का आपका वेटिंग टाइम है, तो ये एक जुगाड़ है, मैं उसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन कोविड टेस्ट की जो लाइन है उसमें वो लोग सीनियर सिटीजन्स है उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है, तो मैंने देखा था कि कुछ जो यंगस्टर्स थे वो सीनियर सिटीजन्स के साथ जाकर आगे पहले लाइन में लग जाते थे और जल्दी टेस्ट करवा लेते थे अपना, विच इज रियली टाइम, लाइक ये बहुत टाइम आपका बचा सकता है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक ऑप्शन है। देन थर्ड टिप मेरी ये है कि अंदर जब आप गेट नंबर 8 से अंदर जाओगे हार्ड कॉपी लेने के लिए अपने रिपोर्ट की, तो उन लोगों ने 2 घंटे हम लोग लाइन में लगे, उसके बाद हमारा जो सैंपल उन्होंने जो हमें रिसिप्ट दी थी, वो रिसिप्ट हमने जब उन्हें दी, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें जो हमारी सॉफ्ट कॉपी थी उसकी प्रिंट आउट दी। हम लोग शॉक हो गए कि ये सिर्फ प्रिंट आउट है, और उन्होंने ना ही स्टैंप लगाया ना ही साइन की, कुछ नहीं, बस उसकी प्रिंट आउट थी जो हमें सॉफ्ट कॉपी बहुत पहले मिल चुकी थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 घंटे लाइन में अगर प्रिंट आउट के लिए खड़े रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, और आप पहले एक बार उनसे पूछ लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी है, मैं उसकी प्रिंट आउट निकाल दूँ तो वो चलेगा? अगर वो हाँ बोलते हैं देन यू आर गुड टू गो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एयर इंडिया से आ रहे हो तो गेट नंबर 8 से एंटर करते ही राइट साइड पर एयर इंडिया की टिकट ऑफिस है, वहां पर एयर इंडिया के जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें वो लोग फ्री में प्रिंट आउट करवा कर देते हैं, अगर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पर्सनल नहीं है, तो मतलब कोविड टेस्ट है आपका, उसकी जो प्रिंट आउट है वो आपको फ्री में करके देंगे एयर इंडिया, अगर आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट है तो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 घंटे लाइन में खड़े रहने से अच्छा है कि आप एक बार पूछ ले उनसे, और अगर वो लोग एग्री करते हैं तो आप वही एयर इंडिया की जो ऑफिस है वहां जाकर फ्री में प्रिंट आउट निकाल दे, तो आपका बहुत सारा टाइम अंदर ही बच जाएगा। सो यही टिप थी मेरी।